YouTube फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज, आज का ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आज हमारे घर में जो शादी होने वाला है उसके लिए आज मुझे निकलना पड़ेगा कहीं मार्केट, या आज नहीं तो कल। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ कुछ ऐसा। ये पैंट जो है जो कि हमको रंजना दी हुई है, और रंजना का जो आउटफिट आप लोग देखेंगे तो काफ़ी खुश हो जाएंगे। आज हम लोग का मैचिंग है। तो कैसा लग रहा है उसका ड्रेस, कैसा लग रहा है और उस पे का सेट कैसा लग रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा। और आज का जो दिन है, अभी हमको जाना है थोड़ा सा गाड़ी लेके बनवाने के लिए, और हम सोच रहे हैं कि एक कोई भी अच्छा सा गाड़ी जो है मैं भी ले लूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या करना चाहिए और कौन सा गाड़ी सही रहेगा, थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा हो ताकि दूर भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग कमेंट कीजिए और अपने भाई को खूब सारा प्यार दीजिएगा, और हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, दिखाते हैं आउटफिट, उसके बाद से आज सुबह से क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और बात बोलना था कि थैंक यू, आप लोग इतना प्यार देते हैं। ओहो, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा है आज का लुक जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो कुछ ऐसा है लुक, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है। तो बोलो, क्या बोल रही थी? आज बहुत दिनों बाद, काफ़ी दिन से ये ज्वेलरी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं सोची थी कि आज पहन लूँ थोड़ा, और मुझे कुछ वीडियो भी शूट करना था तो ये पहन। वीडियो तो मुझे कुछ वीडियो भी शूट करना था तो मैं आज ये पहन ली फाइनली, और मैं रील भी बनाई हूँ। आप लोग मेरे इंस्टा आईडी पे जाकर देखिएगा, काफ़ी अच्छा। खैर, जो भी है आप लोगों को तो चैनल पे देखने को मिल ही रहा होगा। तो ये सेट जो है, यही सेट पहनने वाली थी ये एनिवर्सरी पार्टी में, जो कि एकदम सेट नहीं कर रहा था। अभी रेड के साथ पहनी है तो एकदम सेट भी कर रहा है। वैसे रेड के साथ ये येलो कलर के साथ मैं पहनूंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हो सके तो मैं फिर से पहनूँ इस ज्वेलरी को, और अभी मैं पहन ली हूँ। तो अभी कहाँ जाए? अभी जो है हम बोले तो हैं, लेकिन अभी पता नहीं कंफर्म कब निकलना है कि नहीं निकलना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को लेके चलते हैं आगे। सुबह से आज क्या क्या हुआ है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो रंजना, अब तो रूम खाली भी हो गया है, तो क्या हुआ, कपड़ा वपड़ा सब सेट हुआ है अभी? नहीं, अभी सेट नहीं हुआ है, लेकिन अब करना बाकी है हमको। तो कब स्टार्ट करोगी? स्टार्ट कर देंगे। कितना देर में, कब तक? ये वाला बोल रही है रंजना कि आप जहाँ था वहाँ लेके चले जाइए। हाँ, इससे रूम थोड़ा बहुत भरा भरा लग रहा है। अगर ये नीचे चला जाता है तो थोड़ा अच्छा भी देखने में लगेगा। ऐसा लग रहा है कि ये स्टोर रूम बन चुका है ये रूम, तो इसलिए आप लोग कमेंट करते हैं कि रंजना अच्छे से रूम नहीं रखती है। गाइस, मैं अच्छे से ही रूम रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गंदे तरीके से रखती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा पार्टी उठी था तो थोड़ा गंदा हो गया था, लेकिन इसके कारण लगता है ना कि हाँ थोड़ा अच्छे से इसको रखा जाए। तो चलिए पहले लेके चलते हैं आप लोग को, सुबह का वीडियो देखिए, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और रंजना जो है आज काफ़ी खुश भी लग रही थी, और हमारे घर पे कोई आए हुए हैं उनको भी दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबको फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है, मैं नहा धोवा कर रेडी हो चुकी हूँ, और आज मैं ये वाला साड़ी पहनी हूँ, रेड सा, और ये न्यू साड़ी है। और अभी मैं मम्मी जी पापा जी से भी आशीर्वाद दे ली हूँ, और अब चल रही हूँ मैं किचन में, देखते कि अभी नाश्ता में क्या बनेगा क्या नहीं, तो फिर नाश्ता बनाएंगे। और गर्मी तो काफ़ी है, क्या बताऊँ। तो चलिए चलते हैं किचन। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा चाय बना रही हूँ मम्मी जी के लिए, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो अभी चलते हैं, मम्मी जी बुला रही, देखते क्यों बुला रही हैं। तो यहाँ पे अभी दूध मैं लेकर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा इसमें मलाई जम गया है, तो मैं इसको बोली कि निकाल दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये घी हमारे यहाँ निकल जाता है, मम्मी जी निकाल देती हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल के मैं बना लिया, और अब चलते मम्मी जी के पास लेकर देते हैं। और यहाँ पे दीदी पूजा भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे दीदी ने पूजा कर ली है और चाय बनाई है,
तो लोग बोलते हैं कि आशीर्वाद नहीं देती है आंटी जी सबको, तो आशीर्वाद है मेरा, जल्दी से हमको दादी बना दो सब दोनों मिलके। और मेरे लाइफ में यही एक कमी है, वो भी जल्दी से जितना जल्दी जो पूरा कर देगा उसको 9 लाख का हार देंगे। नौ लाख का हार बना के देंगे। नहीं गाइस, लेकिन एगो हार दे देंगे सबको, हमको जल्दी नाती दो सब, नाती चाहे नतनी कुछ भी, पोता चाहे पोती, क्या हमारे घर का नाम आगे बढ़ाओ सब। बस यही दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, जितना जल्द हो अब तुम इस पर भीड़ जाओ इस काम पे। अब ये कमेंट मत कीजिएगा गलत। नहीं, कोई गलत कमेंट नहीं है। यही अब मेरे लाइफ का कमी है, बाकी घर द्वार सब कुछ हो गया है। क्या कर रही थी? ए, थोड़ा सा कपड़ा निकाल रहा था, सोचे कि पहन जाए। मम्मी जा रही है, मम्मी और अब देखिए मम्मी सबसे अभी नहाई नहीं है, नहा लेंगी, तैयार हो जाएंगे। जल्दी से टाइम से उठो सब, टाइम से खाना पीना खाओ सब, बनाओ सब। तो फाइनली यहाँ पे झूला पे मैं भी बैठ गई, और यहाँ पे झूला झूल कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। और ये नहीं रहने दीजिए, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे इतना ना अच्छा लगेगा, जब स्पेशली जब बारिश का मौसम होगा ना, तो उस वक्त एकदम बैठो यहाँ पे, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो हे गाइस, तो अभी यहाँ पे मैं चाय फिर से बना रही हूँ, क्योंकि बीबी को भी पीना है, मुझे भी थोड़ा सा पीना है, तो मैं सोची कि बना ले रही हूँ। बाकी यहाँ पे अभी आलू कट कर रहे हैं, आंटी जी वैसे सब कट करती हैं, लेकिन आलू एक बराबर नहीं काटती, तो फिर मैं सोची थी कि चलो मैं खुद कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आलू काट रहे, अब जल्दी जल्दी सब्जी चढ़ाएंगे, ये मसाला वाला आलू और परवल की सब्जी, दाल चावल और रोटी। इससे पहले बोले कि जल्दी से कट कर कर बन चुका है, और मैं पीऊँगी दीदी, तो चलिए हम लोग दोनों जन साथ में ही पीते हैं। दीदी आइए, यहाँ पे जा रहे आलू और परवल की सब्जी बनाने। तब तक मैं सोची थी कि जल्दी से एक साइड में दाल चढ़ा दूँ और एक साइड सब्जी, तो यहाँ पे दाल निकाल ले रहे हैं चढ़ाने के लिए। ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी भैया भी नहीं है, तो हम लोग बहुत कम फैमिली लोग हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सोची जल्दी से सब्जी छौंक दूँ, बाकी एक साइड दाल चढ़ा दी है, और अब चलते जल्दी से परवल फ्राई कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे परवल फ्राई हो चुका है, बाकी यहाँ पे दाल भी हो रहा है, जल्दी जल्दी छौंक देते हैं, और उसके बाद चावल चढ़ाना है। फिर यहाँ पे आटा भी सना चुका है, तो जल्दी से रोटी भी बना देंगे। अभी ये क्या लेकर आई हो वैसे आप? अच्छा, फैब्रिक क्यूब लेकर आई है, इनका हेयर भी टूट गया है, तो ये बोले कि भाभी आपके पास, मेरे पास है, मैं आपको दे दूँगी। नहीं, हम कर लेंगे, हमको सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इनका हेयर बैंड टूट गया, तो ये जुगाड़ लगा रही है कि भाभी ये टूट गया है मेरा, देखते कैसे चिपकाती है। तो अभी ये कर रही है, बाकी अभी हम लोग बातें कर रहे थे, और यहाँ पे इनको चाय चाहिए, तो सबसे पहले मैं इनको चाय गर्म कर दे दूँ, ताकि ये चाय बिस्किट खा ले, है ना। आप क्या रुकी रुकी, मैं कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं इसमें नमक हल्दी डाल चुकी हूँ, और अब ये मसाला की, तो यहाँ पे तो गाइस अभी हम लोग फिर से दोनों जन साथ में हो गए हैं, और अभी खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन बस सिर्फ रोटी बनाना है। चावल गीला हो गया,
यहाँ पे भूल गई है आई चिप्स लेकर, बोली कि हम लोग जा रहे चिप्स लाने, तो अभी ये खाएंगे चाय के साथ और चलते चाय। तो यहाँ पे दादी जी आई हुई हैं, तो उनके लिए चाय जल्दी जल्दी बना रहे हैं और अब चलते हैं नाश्ता ले जाकर देते हैं जल्दी से। चाय और नाश्ता दोनों साथ में ही ले जाएंगे और गर्मी काफ़ी है तो इसलिए गर्मी भी लग रहा है। बाकी खाना तो बन चुका है, सिर्फ रोटी बनाना है। हो गया सब्जी, बस नाश्ता भी इसी पर रख रही हूँ। तो यहाँ पे अभी दादी जी आई हुई हैं, तो मैं नाश्ता दे दी हूँ लेकिन मिठाई है फ्रिज में, तो मैं सोची जाती हूँ मिठाई भी दे दूँ। तो यहाँ पर लेकर चलते हैं मम्मी जी के पास और नाश्ता करवाते हैं। बाकी अभी खाना भी बन चुका है, सिर्फ रोटी बनाना है, तो अब चलते हैं। तो अब चलते हैं मिठाई लेकर जल्दी से, बाकी नाश्ता दे चुके हैं। सब रोटी बच गया बनाने का, तो मैं जल्दी जल्दी सोची रोटी बना लूँ। बाकी सारा खाना बन चुका है, दाल चावल सब्जी और रोटी लास्ट में बना रहे हैं। और आप तो आप अभी तो नहाई नहीं अभी तक नहाएंगे। देखिए गाइस पूरा ये बर्फ जम गया आइस जैसा, क्या निकल रहा है इसमें से ये देखिए भाभी, पूरा बर्फ जम गया है वहाँ पे। नहीं हाँ, और इतना फ्रीजर में रखा हुआ, हाँ फ्रीजर में रखा हुआ था 2 दिन से। क्या हुआ, वो सब बन गया ना, ऐसे कर लीजिए। चलिए